लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिथोंग अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है, जिसके इंपैक्ट से लुशियन जो अटैक क्रिएट कर रहा था वो भी खत्म हो जाता है। और अब लिथोंग कहता है कि लुशियन अपने फेट को एक्सेप्ट करो, जिसके बाद लिथोंग इस अटैक को सीधे लुशियन के ऊपर कर देता है। तो अब इस अटैक को देखते हुए लुशियन अब जल्दबाजी में किसी टाइप के अटैक को क्रिएट करने लगता है, मगर लिथोंग का अटैक इतना पावरफुल था कि उसके सामने कोई भी अटैक नहीं टिकता है और इसी प्रेशर से लुशियन अब धरती में धंसने लगता है। मगर तभी लुशियन को अपने चार गॉड लेवल स्पिरिट की याद आती है, जिस पर लुशियन अब बहुत ही जल्दबाजी में उनमें से एक स्पिरिट को अपेयर करने लगता है, जो कि फ्यूरियस व्हाइट टाइगर था। तो अब ये स्पिरिट अपेयर होते ही सीधे लिथोंग के अटैक की ओर बढ़ जाता है, जिस पर अब इन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि कुछ डिसाइबल यहाँ से ही उड़ जाते हैं, जिस पर अब चारों तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है। और सारे डिसाइबल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लगता है लुशियन का खेल खत्म हो गया, क्योंकि लिथोंग ने अपने इस पावरफुल अटैक का यूज कभी भी किसी के ऊपर नहीं किया था, यहाँ तक कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सीनियर भी इस अटैक को डॉच करने के लिए वर्दी नहीं है। तो आखिर ये लुशियन किस खेत की मूली था? लेकिन तभी सुजुन एरिना की ओर देखते हुए कहते हैं कि इम्पॉसिबल, उसने लिथोंग के सेकंड अटैक से भी सर्वाइव कर लिया। तो अभी हम देखते हैं कि लुशियन अभी भी एरिना में अपने पैरों पे खड़ा था, जो अब लिथोंग से कहता है कि सीनियर मेरे पास भी ट्रिक की कोई भी कमी नहीं है, जिस पर लिथोंग अब बहुत ही खुश होकर तालियां बजाते हुए कहता है कि बहुत खूब लुशियन, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तब इधर में जोन भी लुशियन की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, जिस पर सुजुन कहते हैं कि मैं भी तो आपको वही बताना चाह रही थी, ये लुशियन जितना सिंपल दिखता है इसके अटैक उतने ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं, जिस पर मिस जून कहते कि चाहिए कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन ये लिथोंग को डिफीट नहीं कर सकता, और अगर बाय चांस ने ऐसा कर दिया तो फिर मुझे इस लड़के के ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि एक मामूली सा फ्रेशर डिसाइबल कभी भी लिथोंग के तीन अटैक्स को नहीं झेल सकता। और अब इधर लुशियन कहता है कि सीनियर चलिए मैं आपके तीसरे अटैक के लिए भी रेडी हो, तब लिथोंग कहता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुके हो, मुझे डर है कि अब अगर मैंने तुम्हारे ऊपर तीसरा अटैक किया तो फिर तुम उसे झेल नहीं पाओगे, जिस पर लुशियन कहता है कि सीनियर अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम थर्ड मूव की कंडीशन को चेंज करते, अब मैं अपने पावर से आपके ऊपर एक अटैक करूंगा, अगर आप मेरे मूव से इंजर्ड हो गए तो फिर मैं जीत जाऊंगा। तब लिथोंग कहता है कि वेल मुझे ये कंडीशन मंजूर है, अगर तुम मुझे हट करने में कामयाब रहे तो फिर तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए रोली को भूल जाना, जिस पर लुशियन भी यस कहते हुए अपने सारे पावर्स को अपेयर करने लगता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल स्पेल को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। लुशियन के इस अटैक की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अब रिलीज होने लगती है, जिसे देख के लिथोंग कहता है कि अगर मैं गलत नहीं होती ये डिवाइन रियलम का छठा स्टेज है, लगता है मैंने वाकई में इस लड़की की पावर्स को अंडरएस्टिमेट किया। और अब हम देखते हैं कि लुशियन अपनी पावर से हेवनली लोटस स्पेल को क्रिएट कर रहा था, जिसमें से इस बार उसका सेकंड गॉड लेवल स्पिरिट एंसेंट ड्रैगन भी अपेयर होता है। तब लुशियन कहता है सीनियर क्या आप रेडी है, और लुशियन कितना कहते ये अटैक अब बहुत ही विराट रूप लेने लगता है, जिसे देखकर लिथोंग भी अब एक स्पेल को क्रिएट करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, तुम्हारा अटैक मुझे छू भी नहीं पाएगा। और ये कहकर लिथोंग खुद को बचाने के लिए अपने ईनिंग स्पेल को क्रिएट कर लेता है, जिसमें से लुशियन के अटैक से भी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। तब लिथोंग कहता है कि लुशियन चलो आने दो, जिसे सुनते लुशियन इस अटैक को सीधे लिथोंग की तरफ भेज देता है। तब ये ड्रैगन अब सीधे जाकर लिथोंग के स्पेल से टकरा जाता है, जिस पर अब इन दो पावरफुल अटैक से टकराने की वजह से यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि कोई भी डिसाइबल साफ साफ इस बैटल को देख भी नहीं पा रहा था। और अब काफी देर तक ऐसे टकराव चलने के बाद यहाँ पे एक धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से लुशियन तो सीधे पीछे की तरफ जाके गिरने लगता है और ये एरिना भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब थोड़ी देर के बाद जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि लुशियन फिर से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है, जिस पर अब लिंग चुन चिल्लाते हुए कहता है कि लुशियन ने कर दिया, उसने लिथोंग को हर्ट कर दिया। तब इधर हम देखते हैं कि लिथोंग के हाथ से ब्लड बह रहा था, और ये देखकर खुद लिथोंग को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिसे देख के सुजुआ की सिस्टर बहुत ही शॉक होती हुई कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक फ्रेशर लिथोंग को इंजर्ड कैसे कर सकता है। तब इधर लुशियन पूछता है कि सीनियर क्या मैं जीत गया, जिस पर लिथोंग कहता है हाँ तुम जीत गए, और फिर लिथोंग सबके सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है मैं लिथोंग इस मैच को हार गया, विनर लुशियन है। तब ये सुनकर सुजुन कहते हैं कि मैंने सीनियर लिथोंग को कभी भी किसी से डिफीट होते हुए नहीं देखा, आखिर ये लुशियन ये सब कर कैसे रहा है, जिस पर इधर अब ताइशेंग कहता है कि ये लड़का उतना भी डम नहीं है, मुझे अब इस लड़के के ऊपर नजर रखनी होगी। तब लिथोंग भी कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों रोली इस लड़के को पसंद करती है, जिस पर अब लुशियन काफी इंजर्ड होने की वजह से जमीन में गिरने लगता है, लेकिन तभी रोली बहुत ही फास्टली आके लुशियन को पकड़ लेती है और फिर इसे संभालते हुए कहते हैं कि लुशियन तुम्हें जो साबित करना था तुमने कर दिया, इसीलिए अब आराम से रेस्ट करो, जिसके बाद रोली लिथोंग से कहती है कि ये लास्ट था और अगर तुमने लुशियन को हट करने की कोशिश की तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। तब लिथोंग कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम इसे पसंद करती हो, जिस पर रोली लुशियन को लेके यहाँ से जाती हुई कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। और ये कहकर रोली लुशियन को लेके यहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर लिथोंग को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो यहाँ से जाती हुई कहता है कि आज नहीं तो कल तुम इसे छोड़ ही दोगी। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुशियन अपने कमरे में बैठ के मेडिटेट कर रहा
रहा था, मगर तभी यहाँ पे लीतोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर लुशेन कहता है कि आप भला यहाँ पे क्यों आए हैं। तब लीतोंग कहता है कि बस अपने प्रॉमिस को पूरा करने, मैंने कहा था कि अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तो फिर मैं तुम्हें रोली के बारे में कुछ बताऊंगा। तब लुशेन कहता है कि ठीक है बताइए आपको क्या बताना है, जिस पर लीतोंग कहता है कि क्या तुमने रोसेन क्लैन का नाम सुना है। तब लुशेन कहता है कि मैंने एक बार सुना था लेकिन रोली ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जिस पर लीतोंग रोसेन क्लैन की ओरिजिन बताते हुए कहता है कि इस क्लैन की स्थापना एंशिएंट लेजेंड आइस एम्परर ने किया था, जो अपने टाइम की सबसे पावरफुल रेसेस से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस क्लैन की देखभाल के लिए चार स्ट्रॉन्ग वॉरियर को हायर किया, जो उस समय के ग्रैंड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर थे। ये चार कल्टीवेटर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अकेले ही जाके बड़े बड़े क्लैनों को डिफीट कर देते थे, और यही वजह थी कि रोसेन क्लैन उस समय का सबसे पावरफुल क्लैन बन के उभरा। लेकिन समय बीता और आइस एम्परर के जाने के बाद इन चार एल्डरों ने अपनी पावर से पूरे वेस्टर्न रियलम पे कब्जा कर लिया। रोसेन क्लैन के अलावा जितने भी क्लैन थे उन सबको खत्म कर दिया गया, और फिर पूरे वेस्टर्न रियलम में यही चार एल्डर गॉड बन के यहाँ पे रूल करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, कोई शायद कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए लेकिन उसका भी अंत होता ही है। ठीक इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद अब रोसेन क्लैन के एल्डरों के बीच में ही मतभेद होने शुरू हो गए, क्योंकि इनमें से एक एल्डर ऐसे थे जिन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें बेवजह बेगुनाहों का खून बहाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को इस क्लैन से अलग कर लिया और फिर एक न्यू रोसेन क्लैन की स्थापना करके शांति से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तब इस एल्डर की स्नेक विचारधारा की वजह से सारे वेस्टर्न क्लैन के लोग इसी क्लैन में आके जुड़ने लगे, और फिर यही क्लैन ओरिजिनली रोसेन क्लैन के नाम से फेमस हो गया। लेकिन ये बात अब उन तीनों एल्डरों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से अब इनके बीच बैटल होनी शुरू हो गई, और इस मौके का फायदा उन क्लैनों ने उठाया जिन्हें इन्होंने कभी डिस्ट्रॉय किया था। मगर किसी तरह से इस फोर्थ एल्डर ने सारी चीजों को संभाल लिया, लेकिन इस वजह से रोसेन क्लैन बिल्कुल बुरी तरीके से बिखर गया। मगर समय बीतने के साथ साथ उस एल्डर के वंशज ने धीरे धीरे इस क्लैन को फिर से रिकवर करना शुरू किया, और ऐसे समय बीतते बीतते रोसेन क्लैन के लीडर रोली के फादर बन गए। एक ऐसे महान लीडर जिन्होंने अपने कल्टीवेशन के दम पे फिर से रोसेन क्लैन को उसके रेपुटेशन पे ला के खड़ा कर दिया। मगर इन बीते सालों में एक और क्लैन बहुत ही पावरफुल बन के उभरा, जिसका नाम लीसेन क्लैन था, और इनका बस एक ही मकसद था कि किसी भी हालत में रोसेन क्लैन को खत्म करना है, जिसकी वजह से इन दोनों क्लैनों के बीच फाइट हुई और रोली के फादर बैटल ग्राउंड में ही मारे गए। तब रोली के ग्रैंड फादर ने इस क्रिटिकल सिचुएशन में रोली और इस क्लैन को हैंडल किया, जिसके बाद इन्होंने रोली को ट्रेनिंग देनी शुरू की, और किस्मत से रोली का टैलेंट उनके फादर के टैलेंट के भी बियॉन्ड था, जिसे देखते हुए रोली के ग्रैंड फादर ने उन्हें उसी के फादर का डैमेज स्वॉर्ड दिया। और फिर रोली के ग्रैंड फादर ने यह सबके सामने अनाउंस किया कि अब हमारे क्लैन की होने वाली लीडर प्रिंसेस रुओ है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।